कर्नाटक में तो जो हो रहा है वह सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लंबा नाटक जारी है। कांग्रेस खोज तो बहुत रही है, खोज भी रही है या नहीं, लेकिन अब तक उसे कोई नया अध्यक्ष मिला नहीं है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी होनी है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में भी किसी के नाम पर सहमति बनने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि कांग्रेस न तो गांधी परिवार से अलग किसी नए अध्यक्ष को खोजने की साहस दिखा रही है और न ही किसी एक नाम पर सहमति की गुंजाइश है। ले देकर कहानी फिर गांधी परिवार के चारों तरफ ही बुनी जा रही है। राहुल नहीं, सोनिया भी नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी तो है। अब कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठने लगी है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे श्री प्रकाश जायसवाल प्रियंका को अध्यक्ष बनाए जाने की बात खुलकर कहने लगे हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव हैं और उन्हें तरक्की देते हुए कुछ दिन पहले ही यूपी का प्रभार सौंपा गया है। लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पर पेच ये है कि राहुल गांधी गैर गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर सहमति प्रियंका गांधी के नाम पर बनती है तो राहुल गांधी को भी पार्टी की इच्छाओं का सम्मान करना होगा। संकेत इस बात के भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।